subscribe to my channel. And also press this bell icon. चलिए बहुत ही फिर से आ गए हैं अपने पुराने फॉर्म में, जो कि हमारा चल रहा था क्या MCQ questions और हिंदी। तो आपके दो ही चैप्टर्स बचे हुए थे, आपका ये था जॉर्ज पंचम की नाक और दूसरा सना सना हाथ जोड़ी। तो आज हम लोग ये कर लेंगे और कल हम लोग सना सना हाथ जोड़ी कर लेंगे। तो हमारा हिंदी वाला ये सब MCQs question खत्म हो जाएगा। सब आपका जा रहा है हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, सब आपने कर लिया है। साइंस का भी एक क्विज निकल चुका है और अभी हम लोग बना रहे हैं जो जो आपको मतलब बहुत दिक्कत होने वाला है, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस, तो उसके अभी आ रहा है। तो विथआउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चालू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा क्या कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार क्यों नियुक्त किए गए थे। तो जॉर्ज पंचम थे जिनका मूर्ति कहाँ पर था, तो इंडिया गेट में था, तो उनके लिए हथियारबंद पहरेदार नियुक्त क्यों किए गए थे। तो देखो इंडिया गेट इंडिया में, और इंडिया में कौन रहते हैं, तो हिंदुस्तानी रहते हैं। हिंदुस्तानी में आप लोग ब्रिटिश का लगवाएंगे मूर्ति, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका नाक तोड़ देंगे। तो यहाँ पर सीधा आपका आंसर क्या होगा, कुछ लोग उसकी नाक को तोड़ देना चाहते थे। चलिए आपका कन्फर्मेशन भी हो गया, आंसर आपका वही है कि कुछ लोग उसकी नाक तोड़ देना चाहते थे, इसलिए हथियारबंद पहरेदार को नियुक्त किया गया था। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को कहाँ पहुँचाया। तो ए है चिड़ियाघर में, बी अजायब घर में, सी नहर में, या डी यमुना को समर्पित किया। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा कि अजायब घर में पहुँचाया गया, किसको, अंग्रेजों की लाटों को। फिर आगे आपका क्वेश्चन है, भारतीय अधिकारियों की परेशानी का कारण क्या था। तो सब जानते हैं कि सबके परेशानी का कारण क्या था, नाक, और कौन आने वाली थी, तो रानी आने वाली थी। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही होगा, रानी आए और नाक ना हो, ये बहुत बुरा बात था दिल्ली वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया। तो नाक टूट गया था, तो नाक को कोई मूर्तिकार ही ना बना पाता, तो उसके लिए किसी मूर्तिकार को बुलाया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किन फाइलों की छानबीन की गई। तो यहाँ आप ये क्वेश्चन हमेशा भूल जाते हैं, कौन से विभाग हैं, तो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की गई। मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं बोला क्योंकि आप कुछ ऑप्शन देंगे तो आप पूरा आपके माइंड में मिक्स हो जाएगा, उसका खिचड़ी बन जाएगा। कि तो सिंपल याद रखेंगे क्या कि पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की गई, क्यों की गई, क्योंकि मूर्तिकार ने पूछा था कि हमको पता करना है कि पत्थर कहाँ से लाया गया या फिर ये कौन सा पत्थर। चलिए तो आपका आंसर वही है, पुरातत्व विभाग की। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपका, पहली बार दरवाजे बंद कर मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया। ऑप्शन ए है नेता की मूर्ति से नाक उखाड़कर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने का, बी नकली नाक लगाने का, सी प्लास्टिक की नाक लगाने का, या डी अजायब घर में पड़ी मूर्ति की नाक इस पर लगाने का। तो आपका आंसर है नेता की मूर्ति से नाक उखाड़कर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार में सेक्रेटरिएट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट आपके लिए। आपका ऑप्शन है सन 1932 में, बी सन 1935 में, सी सन 1930 में, या फिर डी सन 1942 में। तो आपका आंसर क्या होगा, सन 1932 में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका,
अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? यह पत्थर की नाक, बी जिंदा नाक, सी प्लास्टिक की नाक, या डी लाख की नाक? तो सब जानते हैं अंत में उन्होंने जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपसे, अखबारों में क्या खबर छपी? तो नाक के लिए पत्थर नहीं मिला, नाक लग गई, नाक का मसला हल हो गया है, रानी का आगमन टल गया। तो अखबारों में नाक का मसला हल हो गया है, यह खबर छपी हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, मूर्ति के आसपास के तालाब में पानी क्यों भरा गया? ए ताकि नाक सूखने ना पाए, बी ताकि कोई नाक तक पहुंचने ना पाए, सी ताकि नाक दूर से स्पष्ट दिखाई ना दे, ताकि उनकी पोल ना खुल जाए। तो यहाँ आंसर होगा ताकि नाक सूखने ना पाए, क्योंकि वो जिंदा नाक था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? तो ए रानी एलिजाबेथ पर, बी सरकारी तंत्र पर, सी रानी के दर्जी पर, या डी भारतीयों की मेहमान नवाजी पर? तो सरकारी तंत्र पर, पॉलिटिक्स जो आज भी गवर्नमेंट में सब खेलते हैं, उन्हीं पर एक व्यंग किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग में किसी विदेशी के भारत आने की चर्चा हो रही है, वो कौन थी? था नहीं थी कौन थी? रानी एलिजाबेथ, कहाँ की महारानी थी? तो इंग्लैंड की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, किस चीज को लेकर दिल्ली में तहलका मच गया? ए है जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर, बी एलिजाबेथ के कुत्ते को लेकर, सी एलिजाबेथ के सूट को लेकर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर दिल्ली में तहलका मच गया। सब सोच रहे थे रानी आए और नाक ना हो। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, अंत में मूर्तिकार ने नाक के लिए क्या सुझाव दिया? तो सब जानते हैं जिंदा नाक लगा दी जाए कि उन्होंने सुझाव दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है आपसे, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र में बदहवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो ये उनकी गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था? तो रानी एलिजाबेथ की दर्जी का परेशानी का कारण था कि वे समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहने। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में अगले दिन चिपकी नजर आती थी, आशय स्पष्ट कीजिए। तो ऑप्शन ए है आपका, भारतीय उस पर उस समय दूसरे अखबारों की कतरने से अखबार तैयार करते थे, बी भारतीय अखबार खबरें चुरा कर छापते थे, सी जो खबर इंग्लैंड के अखबार में छपती थी अगले दिन वह खबर भारतीय अखबार में छप जाती थी, और ऑप्शन डी है आपका, एलिजाबेथ ने अखबार वालों को प्रचार करने के लिए कहा था। डी तो बड़ी गजब था। तो आपका आंसर है सी, जो खबर इंग्लैंड के अखबारों में छपी ती थी वही अगले दिन हिंदुस्तान या फिर भारतीय अखबारों में भी छपते थे। फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, नाक किसका द्योतक होती है? तो ए मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का, बी गुलामी का, सी गुलामी की मानसिकता का, और डी गुस्से का? तो मान सम्मान या प्रतिष्ठा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, कथन का आस बताइए। तो इसका आंसर होगा कि भारत में सब सुविधाएं थी पर मान सम्मान नहीं था, भारत में सब सुविधाएं होने के बाद भी आत्मसम्मान की कमी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, रानी के सूट पर कितना खर्चा आया? ए है आपका ऑप्शन करीब 100 पौंड, बी 200 पौंड,
सी 300 पाउंड और डी 400 पाउंड। तो सब जानते हैं कि रानी की सूट पर 100 पाउंड का खर्चा हुआ था। उनका जो सूट था वो नीले कलर का था और जो रेशम का कपड़ा था वो कहाँ से लाया गया था, तो हिंदुस्तान से लाया गया था। तो इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया? ऑप्शन ए है आपका हसीनाओं की तरह, बी नाजनीनों की तरह, सी महिलाओं की तरह या डी नौटंकी वालों की तरह। तो नाजनीनों की तरह। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग में कब की घटना का उल्लेख? ए सन 1947 की, बी लॉर्ड डलहौजी के समय की, सी सन 1942 की या डी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की। तो ऑप्शन डी होगा कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत की आगमन की ये कहानी है। तो क्वेश्चन 23 है, रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान क्यों था? ए रानी के कपड़े की नाप खो गई थी, बी उनके लिए अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा था, सी हिंदुस्तान पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी यह सोचकर, या डी उसको भारत में के मौसम की जानकारी नहीं थी। तो आपका आंसर होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी यह सोचकर उनका दर्जी बहुत परेशान था। फिर दिल्ली में सब कुछ था परंतु क्या नहीं थी? नाक नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे, देखते ही देखते सर के कैसी हो गई? तो काली, हसीन, जवान और जर्जर। तो वह जवान हो गई। दिल्ली का पूरा काया ही पलट हो गया। क्वीन एलिजाबेथ जो आने वाली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, मूर्तिकार यो तो कलाकार था पर ए होनहार था, पैसे से लाचार था, सी ईमानदार था या डी दुनियादारी से बेखबर था। तो वह पैसे से लाचार था। फिर आप थोड़े मोरे वेरी शॉर्ट या फिर आप बोल सकते हैं सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग को देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सबको आप अगर जो दिमाग में बैठा ले और इस सबको कंबाइन कीजिएगा तो आप बड़े से बड़े किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो रानी एलिजाबेथ के सूट के बारे में कैसी खबर छप रही थी? तो रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, उसका कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया है और सूट पर करीब 400 पाउंड खर्चा आया है। तो क्वेश्चन भी है आपका और आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जॉर्ज पंचम की नाक किस प्रकार टूटी? तो देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए गुरिल्ला युद्ध हुआ था। फिर आप लोग सब आंसर पॉइंट में लिखिएगा। मौका पाकर किसी ने उसकी नाक तोड़ दी, पुलिस गश्त लगाती रही और नाक चली गई। मतलब तो पुलिस पीछा करती रही और वो नाक लेकर सब फरार हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी तंत्र ने जॉर्ज की नाक के लिए क्या किया? तो मीटिंग बुलाई और उसमें प्रस्ताव रखा, फिर मूर्तिकार नियुक्त किया गया और डी अंत में जिंदा नाक लगवाई गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की किस्म का पता ना चलने पर मूर्तिकार ने क्या किया? तो पत्थर किस का है, क्या है, कैसा पत्थर है, उसका पता ना चलने के बाद वह हिंदुस्तान के हर पर्वत पर गया। उसने मूर्ति के पत्थर को भी देखा। उसने भारतीय नेताओं की नाक से जॉर्ज की नाक की तुलना की पर उसे कोई भी नाक उसमें सेट नहीं बैठा, इसलिए वह निराश होकर वापस आ गया और अंत में जाके क्या कर दिया, जिंदा नाक ही उसमें लगा दिया। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी के आगमन पर दिल्ली में क्या परिवर्तन हुआ? तो रानी के आगमन ने नई दिल्ली का काया पलट हो गया और सड़कें जवान हो गई, इमारतों पर रंग रोगन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक का ना रहना क्या सिद्ध करता है? तो अंग्रेजों ने भारतीयों को 200 वर्ष तक
शोषण किया, मतलब इस पर रूल किया, और भारतीयों ने मन में अंग्रेजों के प्रति कोई स्थान नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकार ने अपने सुझाव को सार्वजनिक क्यों नहीं होने दिया? तो उसके सुझाव से भ्रष्ट आचरण की बू आती थी। वह देश के शहीदों की नाक मूर्ति पर लगाना चाहता था। इसका देशवासियों को पता चलने पर माहौल खराब हो सकता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1932 में बिहार के सेक्रेटेरिएट पर क्या घटना घटी? तो कुछ छात्र सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराना चाहते थे। अंग्रेज सरकार ऐसा ना होने देने के लिए कटिबद्ध थी, मतलब नहीं होना चाहते थे, एकदम जिद पे अड़े थे कि नहीं होने देंगे ये। और नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने उन छात्रों को गोलियों से भून दिया, उन्होंने फिर भी वहाँ झंडा फहरा दिया। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाले दिन गौर करने योग्य क्या बात थी? तो कुछ बात थी कि जब जॉर्ज पंचम की नाक लगा दी गई थी तो उस दिन सभी अखबार खाली थे, कहीं किसी का फोटो नहीं छपा था, किसी का उद्घाटन की खबर नहीं छपी, और किसी को मान पत्र भेंट नहीं किया गया था, मतलब इनविटेशन पत्र भी भेंट नहीं किया गया था। तो यहाँ आपका क्या, तो जॉर्ज पंचम की नाक का सभी क्वेश्चंस एंड होते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ भर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर सना सना हाथ जोड़ी में, और जिन्होंने पूरा देखा है उनके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन।